यूट्यूब देखने वाले दर्शकों को मेरी ओर से सत श्री अकाल। आज देखो, आज कितना अच्छा मौसम है। देखो काले काले बादल छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसी खुशी में हम आज आपको गाजर आलू के ब्रेड पकौड़े बना के खिलाएंगे, दिखाएंगे रेसिपी में। आप भी ऐसे ही बनाना और बच्चों को खिलाना। बहुत ही अच्छा मौसम है, सुहावना मौसम है। चलिए आज हम आपको ब्रेड पकौड़े बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने जी बेसन लेना है, एक कौली बेसन लिया है, एक कटोरी बेसन लिया है, छान कर लिया है, साफ सुथरा है, धूप लगवाई थी। ये आलू लिए है, इसको बॉईल कर लिया है। ये हमारे पास हरा धनिया है, हरी मिर्च और लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने बना लिया। ये हमारे पास थोड़ी सी हींग लगानी, हींग इसमें डालनी थोड़ी सी, बेकिंग पाउडर, गाजर। ये हमने मूली और गाजर का मिक्सचर बनाया है ब्रेड पकौड़े के साथ खाने के लिए। ये हमारी रेड चिली चटनी, ये हमारी ग्रीन चिली चटनी, ये प्याज हमने इसको हमने करना है फ्राई, आलू में डालना है। ये हमारे पास जीरा और धनिया दोनों का मिक्सचर हमने पीसा हुआ है। ये लाल मिर्च, नमक, जीरा, काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी भी डालते हैं इसमें, अजवाइन और आमचूर। ये हमारे पास ब्रेड है। ये हम आलू को जब फ्राई करेंगे तो उसमें ये हम घी लगाएंगे सफोला। अब हमने ये आलू है ना, इसको हमने ऐसे हाथों से चमचे से दबा लेना है, छोटे छोटे पहले काट लेने। हमने एक कटोरी बेसन लिया था, पहले हमने इसको अच्छी तरह से गर्म कोसा पानी है, थोड़ा सा पानी जो है इसमें डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना और पानी भी धीरे धीरे डालना है हमने इसमें आराम से, ये देखो। और इसमें हमने क्या करना है, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, ये पेस्ट हमने बनाया था आधा पेस्ट इसमें डाल देना है, आधा हमने तड़के में लगाना है। और हमने इसमें थोड़ा सा आमचूर डालना है। ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर हमने एक चुटकी डालना, ये देखो इतना, ज़्यादा नहीं डालना। और थोड़ा सा हमने इसमें आमचूर इसमें थोड़ा सा डाल देना है, चुटकी, दो चुटकियाँ। और इसके बाद हमने इसमें थोड़ी सी अजवाइन थोड़ी सी हाथ से मसल के डाल देनी है। और ये धनिया और जीरे का भून कर हमने पेस्ट बनाया है, ये थोड़ा सा डाल देना, ये देखो इसमें। और इसको अच्छी तरह से हमने पेस्ट बना लेना, इसका आराम से पेस्ट बना लेना। पैन रख लिया गैस पर, गैस ऑन कर दिया, दो चमचे सफोला घी ये डालकर हमने जो प्याज थे छोटे छोटे काटे हुए इसको इसमें डाल के फ्राई कर देना है, तड़का लगा देना है। हमने जो प्याज है ना इस पर ज़्यादा रेड नहीं करना, सिंपल ही रेड करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें प्याज जो है ना थोड़ा कच्चा जो है वो टेस्ट लगता है। इसमें आलू डालेंगे। ये हमारा प्याज उनका तैयार हो गया है, हम इसमें थोड़ी सी एक चुटकी हींग डालेंगे, एक चुटकी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसका का बस हमें टेस्ट चाहिए। और थोड़ा सा जीरा प्याज में अच्छा लगता है, जीरा डाल देना थोड़ा सा। और हमने इसमें ये हमारे पास ना गाजर भी इसमें डालनी है, आलू के बीच में गाजर डालनी है, इसको पहले फ्राई कर लेना क्योंकि इसमें तो थोड़ा सा पानी होता है, आलू बाद में डालेंगे, इसको फ्राई कर देना गाजर को। इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, हरी मिर्च डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी, ये हमारे पास हरी मिर्च है, थोड़ी सी ये डालेंगे टेस्ट बनाने के लिए।
जो गाजर है ना, ये विटामिनों से भरी होती है, ऐसी विटामिन इसमें बहुत होता है, ये भी मतलब खाने के लिए अच्छी होती है। हमने इसमें जो है ना नमक, नमक बिल्कुल टेस्ट स्वाद मुताबिक आधी चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना, बाद में हम देख सकते हैं कि कैसे और डालेंगे कि नहीं, टेस्ट कर सकते हैं। और ये हमारा हरा धनिया, सूखा धनिया और जीरा, ये हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई किया था, भूना था। और हमने इसमें काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है इसके टेस्ट को स्वाद बनाने के लिए, और नमक, नमक डाल दिया है, ये पेस्ट, ये हमने पेस्ट था ना, ये भी डालना है, अदरक और अपना अदरक का है और लहसुन का पेस्ट, इसका और भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डाल देंगे और धनिया, थोड़ा सा धनिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने ये पोटैटो जो हमने मिक्स कर लिए थे, अच्छी तरह से मिला लिए थे, ये डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मैच कर लेंगे, जो हमने इसको ब्रेड में भरना है अच्छी तरह से मैच कर लेंगे। हमारा बेसन का जो है मिक्सचर तैयार हो गया, इसमें अब हम नमक डालेंगे। पहले हमने नमक नहीं डाला, अब नमक डालेंगे और ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि नमक इसमें भी होता है, आलू में भी होता है, जो हम आलू का मिक्सचर बनाया है, और इसमें भी फिर जो ज़्यादा हो जाता है, और टेस्ट के मुताबिक डालना है। थोड़ी सी हमने जो है ना हल्दी वो डालनी है, इससे तो कलर तो अच्छा आ जाता है, और काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाल दी है, और ज़्यादा मिर्च हो जाती है तो फिर टेस्ट ज़्यादा कड़वा आता है। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, थोड़ा सा हमने ये पहले डाल दिया था जीरे का और धनिया का मिक्सचर, ये पहले डाल दिया था, हरा धनिया डाल दिया था, आमचूर डाल दिया था, थोड़ा सा हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया था। ये हमारा पेस्ट ज़्यादा पतला नहीं करना, ये देखो जो इसमें बाइंड हो जाए अच्छी तरह, हमारी ब्रेड बाइंड हो जाए। ये हमारा जो आलू का मिक्सचर है ये भी तैयार हो गया, ये हमारी ब्रेड है, हम ये ब्रेड को काटेंगे, और ये चटनी, हरी चटनी और रेड चिली सॉस लगा के आलू भरेंगे। अब हम ये हमने ना ब्रेड ली है, ब्रेड में थोड़ी सी पहले ये लगाएंगे चिली, रेड चिली थोड़ी सी लगाएंगे, और इसके ऊपर हम, ये दिखने में बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी भी होती है और मीठी होती है, इसमें हम आलू लगाएंगे, आलू भी हम अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा देंगे पेस्ट बना के, ये पेस्ट बना हुआ है, आलू लगा देंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ऊपर, इसका जो है ना दबा देंगे, दबाना है इसको, ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब दूसरा जो इसमें ऊपर पार्ट, दूसरा पार्ट ब्रेड का रखेंगे, ये देखो इस ज़्यादा लगा दो, टेस्ट और भी बढ़ जाता है, और भूख भी हमारी जो है पेट भी भर जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और दूसरा जो है हमने इसके, हमने ये हरी चटनी, ये इसमें हमने इमली डाली है, थोड़ी सी पुदीना डाला है, हरा धनिया डाला है, ये थोड़ा सा नमक डाला है, ये लगा देनी अच्छी तरह से बिल्कुल, देखो ये बहुत ही टेस्टी बनी है, और मुंह में पानी आ जाता है इसको देखकर, बच्चे खुश हो जाते हैं, हरी चटनी खानी है, ये इसमें ऊपर लगा देनी है ऐसे, फिर इसमें हमने बाद में ऐसे सभी ब्रेड को हमने ऐसे बना लेना, फिर बाद में हम बाइंड करेंगे बेसन के साथ, और इसको अच्छी तरह से काटना भी है इसको हमने, ये देखो साबुत नहीं बनाना, इसको हमने ऐसे काट लेना है, त्रिकोण काट लेना है, अब इसको हम ऐसे बनाएंगे, तलेंगे, ऐसे सभी ब्रेड को हम लगा लेंगे। हमने फ्राई पैन में तेल डाल दिया, इसको हम थोड़ा ज़्यादा गर्म करना है, पहले गर्म कर लेना,
फिर सिम करना है। और ब्रेड को हमने काट भी सकते हैं, ऐसे साबुत में भी बना सकते हैं, कोट करके अच्छी तरह से, और बाद में हम काटेंगे। और पहले काटी भी दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे। ये देखो, इसको हमने अच्छी तरह से कोट कर लेना, डाल देना है आराम से, आराम से इसको पकाना है सिम में, गैस को तेज नहीं करना। हमने इसको पलटना है ना बड़े वाले को, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देना, क्योंकि जो बेसन है जब पक जाता है, नहीं तो ऐसे पलटने में ये इसको साइड में इसका लग जाता है ये बेसन। इधर अब सिम कर लेना, मतलब ये ऐसे पलट के देख। ये हमारा ब्रेड पीस जो हमने इसको फ्राई कर लिया है, ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, हमें इसको निकाल लेना है। और इसी तरह सारे हम ब्रेड पकौड़े तैयार कर लेंगे। हमने एक बड़ा पीस बनाया, एक ऐसे भी जैसे मर्जी शेप में हम बना सकते हैं। ये देखो, हमने एक ऐसे इसका त्रिकोण काट लिया था ब्रेड को, ऐसे इसको हम डालेंगे इसमें आराम से। ये हमने ऐसे इसको पलट देना है, पलटे के साथ है, आराम से पलटना है। और ये हमारा ब्रेड जरा छोटा काटा हुआ भी तैयार हो जाना है। और इसमें आलू भरा होता है ना, ये देखो कितने बड़े बड़े लगते हैं। अब इसको हम ऐसे काटेंगे, काट के बड़ा नहीं खाया जाता, एक ही पीस खाया जाता है। इसे ऐसे तलते जाएंगे, गैस को हमने सिम रखा है, थोड़ा सा फ्लेम हम तेज कर लेंगे। हमारा पीस भी बिल्कुल रेडी हो गया, निकाल लेना है। देखो बिल्कुल है, किस अच्छा कलर आया है इसमें, गोल्डन कलर। ऐसे ही हमने सभी बाकी और भी बना लेने हैं। ये हमारे ब्रेड पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं। दो हमने छोटे काट लिए थे पहले ही, और दो हमने साबुत बनाए थे, इसको हमने अब काट लेना बना कर। ये देखो, ऐसे काट लेने, ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। काट के इसको भी काट लेना ऐसे ही। ये हमारे कितने क्रिस्पी बन गया और कितने टेस्टी बन गए हैं। ये देखो, ऐसे हमने ये साफ ऐसे बनाए थे, और बिल्कुल नरम, ऐसे ऐसे काट के। इसके साथ हमने ये मूली, हरा धनिया और हरी मिर्च ये काटी है, गाजर है, और इसको हमने चटनी है जो ये चटनी, हरी चटनी बनाई थी, रेड चटनी चिली बनाई थी। इसे खा के आनंद लो, मजे लो, और चाय के साथ एक एक पीस खाओ, पेट भर जाता है। ऐसे आप खाओ, सब बच्चों को खिलाओ। ओके, अब मेरी जो रेसिपी है आपको पसंद आए, वो आपने शेयर करना है, लाइक करना है और डिस्क्राइब करना है। ओके, थैंक यू, सत श्री अकाल, बाय।